गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इस टाइप का 3D एनिमेटेड गेमिंग ओवरले इंट्रो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप भी अपने लिए ऐसा इंट्रो बनाना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो बढ़ते एडिटिंग की ओर। तो गाइस हमें आ जाना पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। जैसा कि आपको दिख रहा है आपके सामने ऐसा खुल के आएगा। न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको कर देना डिलीट। फिर 3 डॉट्स पर जाना है, इमेज साइज पर जाके कस्टम को कर देना यूट्यूब थंबनेल। फिर जो 1280 लिखा था वहां पे कर देना 1920, कर देना डन। 720 की जगह हमें कर देना 1080 और कर देना डन और ओके। ये हमारा आ चुका है। फिर हमें आ जाना फोर्थ वाले ऑप्शन पे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। फिर हमें सेकंड वाले पे आके शेप ले लेनी है। जितना शेप का आप बनाना चाहते हो आप उतने शेप का ले लेना, तो मैं इतने शेप का ले लेता हूँ। तो फटाफट से इसको एडजस्ट कर देता हूँ, मैंने एडजस्ट कर दिया। फिर इसका कलर हम ले लेंगे ब्लैक और कर देंगे डन। डन कर दिए। फिर प्लस के बगल में जो साइन आ रहा है उसको कर देंगे लॉक, उस पे जाके फिर प्लस पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और ये वाली इमेज ले लेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे एडजस्ट। ये मैंने कर दिया। फिर सेकंड ऑप्शन पे आके इसकी कैपेसिटी हमें कर देनी है 60 के आसपास और कर देना डन। और इसको भी लॉक कर देना वहीं पे जाके हमें। फिर प्लस पे जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाके हमें वाली इमेज ले लेनी है और इसको भी यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। और इसकी कैपेसिटी भी हमें कम कर लेनी है लगभग 30% के आसपास और कर देना डन। 30% करके कर देना डन। फिर इसको भी कर देना लॉक। फिर दोबारा हमें प्लस पे जाना है, फ्रॉम गैलरी में जाके हमें ये ले लेना है येलो शेडो और इसको भी कर देना डन और यहाँ से कर देना लॉक। फिर हमें प्लस पे जाके टेक्स्ट पे जाना है और इस पर डबल टैप करके हमें अपने चैनल का नेम लिख लेना है DBEdit और कर देना डन और यहां से कर देना ओके। फिर हमें चले जाना है, इसको नीचे लेके आ जाना है और उसको थोड़ा जूम कर लेना है। फिर हमें आ जाना है ए पे और फॉन्ट्स पे जाके माय फॉन्ट्स पे जाना है और ये अमेरिकन कैप्टन वाला ले लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे और इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ये मैंने कर दिया है। फिर हमें जाना है कलर पे, गार्डियन पे जाना है, ये ले लेना है, इसको चेंज करेंगे अभी हम। लाइन स्पेसिंग पे जाना है हमें, स्पेसिंग पे जाके इसकी स्पेसिंग कर देनी है हमें 3। फिर हमें जाना है कलर पे दोबारा गार्डियन पे, फिर इसको ले लेना है और प्लस पे जाके इसका कलर हमें चेंज कर देना है। तो फटाफट से इसका कलर कर लेता हूँ चेंज। ओके कर देना है। फिर कर देना यहाँ से डन। फिर हमें शेडो को जा पे, फिर इसको कर देना येल्लो, इसकी शेडो ले लेनी हमें येल्लो और इसकी कैपेसिटी हमें कर लेनी है कम 30% के आसपास। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 30% कर देनी है येल्लो लेके, 60 रख लेना आप और इसको कर देना डन। फिर इसको यहाँ से आके कर देना लो। फिर दोबारा जाना प्लस पे, टेक्स्ट पे जाना है, डबल टैप करना, इंस्टाग्राम ले लेना है। पहले इंस्टाग्राम लिखना है हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में, फिर स्पेस देके, फिर लिखना है यूट्यूब, फिर जो हमने बीच में स्पेस दिया था उसको कट करके कर देना डन और ओके। और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। फिर जाना माई फोन्स पे, ऐड पे जाके और ये ले लेना है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ले लिया। फिर इसकी स्पेसिंग हमें कर लेनी है कुछ इतनी जितनी मैं कर रहा हूँ, 5 और कर देना डन। फिर लाइन स्पेसिंग पे आ जाना है, लाइन स्पेसिंग भी हमें कर लेनी है 10, फिर कर देना डन। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ
फिर हमें शेडो को जाकर अनेबल कर देना है, येलो ही लेनी है और उसकी कैपेसिटी कर लेनी है कम, लगभग 30%। और उसका रेडियस हमें रख लेना है 10, 9, 11, 11 रख लेना, कर देना डन। और उस पर जाके इसको कर देना लॉक। फिर जाना हमें प्लस पे, फ्रॉम गैलरी में जाके इंस्टाग्राम का लोगो मिलेगा, इसको ले लेना है और इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। मैं फटाफट से एडजस्ट कर देता हूँ। इस पर जाके पोजीशन पे जाके मूव बाय को कर देना बन और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और शेडोज की ऑन कर देनी हमें येलो लेके, कर देना डन। फिर इसको कर देना लॉक। फिर प्लस पे जाना, फ्रॉम गैलरी में जाके यूट्यूब का मिल जाएगा, सेम इसका वही प्रोसेस करना जैसे हमने इंस्टाग्राम वाले का करा था। फिर कर देना डन। अब हमको ये कर लेना है, फिर सबको कर देना हमें ऑफ, बस हमें अपने चैनल का नेम ऑन करके रखना है और एक्सपोर्ट इमेज पे जाके कस्टम को कर देना है अल्ट्रा और सेव टू गैलरी कर देना है। ये हो गया, फिर इसको ऑफ कर देना है। फिर नीचे के हमें चारों ओपन कर लेने हैं, इसको भी हमें कर लेना है। एक्सपोर्ट इमेज पर जाके सेम वही प्रोसेस करना है, सेव टू गैलरी, फिर इसको भी कर देना है ऑफ। फिर हमें ऊपर के तीन ऑन कर लेने हैं और इस पे क्लिक करके इनको कर देना मर्ज और ओके कर देना है। फिर एक्सपोर्ट इमेज पर जाके सेम वही प्रोसेस कर लेना है, मैंने कर लिया। फिर इन सबको कर लेना है ऑन। ऑन करके एक्सपोर्ट इमेज पे कर लेना है। अब आ चुके हम काइन मास्टर एप्लीकेशन में, क्रिएट न्यू पे जाना है, फिर ये रेशियो ले लेके नेक्स्ट कर देना है। फिर हमें ग्रीन स्क्रीन ले लेनी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको कुछ इतना कर लेना है। स्टार्टिंग पे आके लेयर पे जाके मीडिया पे जाना है और हमें जो अभी हमने पीएनजी बनाए थे उसको ले लेना है, यहाँ पे इसको फिट कर देना है और जाना डन कर देना है और उसको फुल कर देना है। लेयर पे जाके मीडिया पे जाना है, सॉरी इफेक्ट पे। फिर ये ले लेना है डिस्टोरेशन मार्जिन वाला, इसको डन कर देना अच्छे से यहाँ पे, इसको फिट कर देना हमें रेक्टेंगल शेप लेके और कर देना है डन। इसकी सेटिंग्स हमें रख ली है, स्पीड रखनी है हमें इसकी 50 और इसकी स्ट्रेंथ रख लेनी है हमें 12। फिर कर देना डन और उसको फुल कर देना है। फिर हमें लेयर पे जाके मीडिया पे जाना है और जो भी हमने बनाए थे हमें ये ले लेना है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, इसको पूरा फिट कर देना है। फिर हमें इन एनिमेशन पे जाके स्लाइड लेफ्ट वाला दे देना है, 0.5 और 1 के बीच में इसको दे देना है इसकी स्पीड और कर देना है डन। फिर लेयर पे जाके मीडिया पे जाना है, सेम हमें अपने चैनल का ले लेना है और इस पर स्प्लिट स्क्रीन पे करके इसको कर देना फिट और उसको भी पूरा फुल कर देना है हमें। सॉरी पहले इसको कर देंगे हम, इसको इफेक्ट दे देते हैं, ये वाला इफेक्ट नहीं देंगे हम, इसको दूसरा इफेक्ट देंगे, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी इफेक्ट दे लेना। तो मैं इसको दूसरा इफेक्ट दूंगा, ये वाला इफेक्ट देके कर देना डन और फुल कर देना है। फिर हमें जाना है लेयर पे, मीडिया पे, फिर हमें अपने वो ले लेना है ये थंडर स्क्रीन वाला, इसका ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको और इसकी ओवर एनिमेशन पे जाके इसको फ्लिकर दे देना है, ये हो गया, इसको कर देना फुल और स्टार्टिंग में आ जाना है। फिर जाना लेयर पे, मीडिया पे और अपने मॉडल की ये ले लेना है प्लेयर की फोटो वीडियो और इसकी हमें रख लेनी है 60 और 40 वो कर देना डन। इसको फिर नीचे ला के इसको एडजस्ट कर देना हमें अच्छे से, बड़ा करके नीचे एडजस्ट कर देना वो कर देना डन। अब हमें इनको बीच बीच में से कट कर देना है, जहां जहां पे हमें इफेक्ट चाहिए वहां वहां से कट कर देना है हमें
तो मैं कट कर देता हूँ दोनों को, अपने नेम वाला और इंस्टाग्राम वाले को, स्प्लिट प्ले हेड। फिर हमें इतना रखना जितनी हमारी वीडियो है, सबको उतना कर लेना है। और फिर एनिमेशन पे जाना है, अपने प्लेयर को दे देना है पॉपअप और उसको कर देना डन। तो देखेंगे कितना बढ़िया लग रहा है। फिर वीडियो को यहां से कर लेना एक्सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।